हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं मनीष चौधरी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं चौसर की द प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स। बहुत ही बड़ी और बहुत ही फेमस एंड लोकप्रिय ये रचना है। चलिए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले इसकी समरी पढ़ते हैं हम। Going through the prologue to the Canterbury Tales is like visiting a portrait gallery. In a portrait gallery, we see portraits of a large number of persons on display. इस portraits में हम बहुत सारे persons को देखेंगे, यानी काफ़ी characters हैं इसमें। Almost 32 characters हैं total. These portraits impress us by a variety of dresses and they impress us also with their vividness. अपनी विविधता से, वैरायटी से हमें इम्प्रेस करते हैं सारे करेक्टर। इस पोर्ट्रेट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन दैट रियल ह्यूमन बींग सीट्स और स्टैंड बिफोर अस। सारे इस प्रकार का इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं जैसे कि रियल में कोई ह्यूमन बींग हमारे सामने खड़ा है या बैठा है। दिस प्रेसिजली इज द इम्प्रेशन दैट द प्रोलॉग प्रोड्यूसेज ऑन अस। वी आर ग्रेटली स्टक बाय द लार्ज वैरायटी फॉर विच द प्रोलॉग्स इज रिमार्केबल। A large number of human beings who are both types and individuals have been delineated by Chaucer, and these human beings possess certain universal qualities too. Certain universal qualities bhi inke andar thi. At the same time, these characters are by no means puppets. Yani puppets nahi hai, kathputliyan nahi hai. They are not wooden figures nahi hai. To kya hai? On the contrary, they appear before us living and believable characters. ये एकदम जीवंत और विश्वसनीय करेक्टर्स हैं। अब हम कुछ 5-7 करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टोरीज को बताएंगे हम। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब ये सभी पिलग्रिम्स में जाते हैं तो एक कंडीशन की जाती है इनके बीच कि चलो एक खेल खेलते हैं। इनको एक टास्क दिया जाता है कि हम सभी दो दो स्टोरीज सुनाएंगे, यानी प्रत्येक आप में से दो दो कहानियाँ सुनाएगा, और प्रत्येक एक जाते समय एक कहानी सुनाएगा, रात के वक्त एक कहानी सुनाएगा। ये है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। यहाँ से हम जो इनके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कुछ। कौन कौन से कैरेक्टर्स की कहानियाँ पढ़ेंगे हम? पढ़ेंगे द नाइट की, उसके बाद यंग स्क्वायर होता है, उसके बाद कलर्क होता है ऑक्सफोर्ड में, उसके बाद फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुक की पढ़ेंगे, फिर हाउस ऑफ बात वाइफ ऑफ बात के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद सुमोनर की और पार्टनर की। ये कुछ कहानियाँ कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नाइट स्टोरी पढ़ते हैं। नाइट की, देयर वाज ए नाइट अमंग देम। उनके बीच एक नाइट था एंड ही वाज ए वर्दी मैन, और वो एक योग्य बहादुर आदमी था। फ्रॉम दैट टाइम ही फर्स्ट बिगेन टू राइड आउट टू टेक पार्ट इन मिलिट्री कैंपेन्स। सबसे पहले उसने राइड आउट किया मिलिट्री कैंपेन में पार्ट लेने के लिए। He loved chivalry, truth, humor, generosity and courtesy. वह शौर्यता, सत्यता, सम्मान, generosity और courtesy से प्रेम करता था। He proved his bravery in war in the service of his feudal superior King Edward III. King Edward III के टाइम उन्होंने अपनी bravery को प्रूव किया था। In order to fight, he had ridden very far. लड़ने के लिए वह कई दूर तक ही राइड कर जाता था। In fact, no man had travelled further than he. कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता था। इन बोथ क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज, दोनों जगह क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज में। एंड ही हैड बीन ऑलवेज हॉनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, हमेशा वह अपनी ब्रेवरी के लिए सम्मानित किया जाता था। ही फोट ऑन अलेक्जेंड्रिया व्हेन इट वाज कैप्चर्ड, वह अलेक्जेंड्रिया में भी लड़ा जब इस पर कब्जा कर लिया गया था बाई किंग पीटर ऑफ साइप्रस इन 1365 में किंग पीटर के द्वारा। Many times he had taken the head of the table in Persia as the most honored person among those of all nations. He had fought in Lithuania and Russia. Lithuania aur Russia mein bhi wo lade the more than any other Christian of his rank. To ye hum moti moti baatein padh li the knight ke bare mein ki knight kya tha, knight story kaisi hai. Do number pe hum padhenge knight ke hi एक यंग पुत्र था जिसका नाम था स्क्वायर, उसकी कहानी को। विद हिम वॉज हिज सन, उसके साथ उसका पुत्र था द यंग स्क्वायर, हु वॉज ए लवर एंड स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट ऑफ अटेनिंग नाइटहुड।
जो नाइट हुड अटेनिंग करने का एक स्ट्रॉन्ग एस्पायरेंट था, वो उपाधि लेने वाला और एक लवर था। ही हैड कर्ली हेयर विच सीम टू हैव बीन प्रेस्ड इन ए कर्लियन आयरन। आई थिंक दैट ही वॉज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड। इन स्टेचर ही वॉज ए मैन ऑफ एवरेज हाइट। ही वॉज वंडरफुली एजाइल एंड पोसेस्ड ग्रेट स्ट्रेंथ। एंड ही हैड वंस बीन ए इन द सेवलरी इन फ्लैंडर्स इन आर्टोइस एंड इन द पिकार्डी वेन ही हैड गिवन ए गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन द आर्मी फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड येट। तो ये था स्क्वेयर। अब बात करते हैं मोंक की। देयर वॉज ए मोंक ए डोमिनेटिंग काइंड ऑफ मैन एन आउटराइडर। एक आउटराइडर था, डोमिनेटिंग काइंड का इंसान था, मोंक था, हुज ड्यूटी इज टू सुपरवाइज द मोनेस्ट्रीज इस्टेट। जो आश्रम की जो संपत्ति है उसको सुपरवाइज करना ही उस मोंक का काम था। वन हु लव्ड हंटिंग, और हंटिंग से भी वो प्यार करता था। द मोंक हैड मैनली क्वालिटीज एंड वॉज कॉम्पिटेंट टू बी द हेड ऑफ एन एबे। एबे यानी मठ, मठ का हेड होने की भी उसमें जो कॉम्पिटेंट थी, दक्षता थी। ही हैड क्वाइट ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूएबल हॉर्सेज इन हिज स्टेबल। और अपने स्टेबल में यानी अस्तबल में उसके पास काफ़ी मात्रा में वैल्यूएबल हॉर्सेज भी थे। एंड वेन ही रोड, और जब भी वो सवार होता, पीपल कुड हियर हिज ब्रीडल जिंगलिंग इन ए विस्लिंग विंड एज क्लियरली एंड ऑल्सो एज लाउडली एज दे कुड हियर द रिंगिंग ऑफ द चैपल बेल। देयर एट द प्लेस वेयर दिस लॉर्डली मॉन्क वॉज हेड ऑफ द सेल, ही डिसरिगार्डेड सच ओल्ड थिंग्स एज द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश्ड बाई एस टी मॉरिस एंड एस टी बेनेडिक्ट, बिकॉज दीज रूल्स वर आउट ऑफ डेट एंड सम वॉट स्ट्रिक्ट। खुद के रूल्स भी ये मॉन्क है वो इस्टेब्लिश करना चाहता था। एंड ही फॉलोअर्ड द प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड बाई द न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ही डिड नॉट गिव ए प्लक्ड हैन फॉर द टेक्स्ट विच टेल्स द हंटर्स आर नॉट ओनली होली मैन फॉर द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू विच ए मॉन्क वेन ही डिसओबेज द रेगुलेशंस इज लाइक ए फिश विदाउट वाटर फॉर दैट सच ए मॉन्क इज मॉन्क विदाउट ए क्लोस्टर। ये मॉन्क की स्टोरी थी। अब हम पढ़ेंगे इसी में भी एक है, कलर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड की स्टोरी। देयर वॉज ए कलर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड हु हैड स्टडीड लॉजिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लॉजिक की स्टडी कर रहा था लंबे समय से। ही हैड ए हॉर्स विच वॉज थिन लाइक ए रेक एंड आई माइट एड ही हिमसेल्फ कुड नॉट बी कॉल्ड फैट बिकॉज ही ऑलवेज लुक्ड होलो चिक्ड एंड वॉज इन एडिशन सेल्फ रिस्ट्रेंड। हिज आउटर क्लॉक वॉज एब्सोल्युटली वॉर्म आउट बिकॉज ही हैड नॉट येट बीन एबल टू ऑब्टेन द रेक्टरशिप ऑफ एनी पैरिशर्स एंड बिकॉज ही वॉज नॉट वर्डली इनफ टू सीक ए जॉब ही कुड रैदर हैव एट हिज बेड्स हैड 20 बुक्स। 20 बुक्स लिखता था बाउंड इन ब्लैक एंड रेड, किसकी ऑफ अरिस्टोटल एंड हिज फिलोसॉफी, देन एक्वायर रिच गारमेंट्स और ए फिडल और ए गे हार्प। ये लगभग स्टडी करता था लॉजिक की, अपने साथ बहुत सारी पुस्तकें रखता था, पुस्तक प्रेमी था। ये था कल्लक ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब बात करेंगे फ्रैंकलिन की। इसी कल्लक ऑफ ऑक्सफोर्ड की कंपनी में एक रहता था फ्रैंकलिन। देयर वॉज ए फ्रैंकलिन इन हिज कंपनी। द फ्रैंकलिन्स बियर्ड वॉज वाइट लाइक ए डेजी एंड ही हैड ए र्यूडी कॉम्प्लेक्शन। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग ए सॉप ऑफ वाइन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वाइन लेने का वो शौकीन था। इट वॉज ऑलवेज हीज प्रैक्टिस टू लिव ए लाइफ ऑफ प्लेजर। प्लेजर की लाइफ जीने का हमेशा से वो अभ्यास करता था। बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट फॉलोअर ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ एपिकर्स हु यूज टू रिकमेंड ए लाइफ ऑफ लग्जरी एंड हु हेल्ड द थ्योरी दैट कंप्लीट प्लेजर वॉज ट्रूली द सोर्स ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। चलिए ये था फ्रैंकलिन। अब हम बात करेंगे हाउ बात वाइफ ऑफ बात की, और इसमें एक मिलर की स्टोरी भी है जो लगभग थोड़ी सी अनर्गल टाइप है, जो इसमें मेंशन नहीं की हुई है, सिर्फ नाम मेंशन किया है मिलर का। चलिए हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे आपकी कंप्लीट समरी है वो इस प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की समझ आ जाए। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, टू विच एज डज चौसर बिलोंग। चौसर जो है वो कौन सी एज से बिलोंग करता है? तो द एज ऑफ चौसर कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1340 टू 1400। 1340 से 1400 के बीच जो है वो चौसर है।
वो बिलोंग करता है। ही वॉज बोर्न एट द मिडल ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड के मिडल में उनका जन्म होता है। एंड एलिमेंट्स ऑफ रेनेसा वर ब्रीडिंग, और जिस समय रेनेसा के बीज हैं वो उग रहे थे उस टाइम उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए राइटर डू यू कंसिडर चौसर टू बी, चौसर किस प्रकार का जो है वो राइटर है। तो चौसर इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, अपनी एज का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। जिस प्रकार पोप इज वन ऑफ द 18th सेंचुरी, जिस प्रकार 18th सेंचुरी में पोप था, एंड टेनिसन इज ऑफ द विक्टोरियन एरा, और विक्टोरियन एरा में जिस प्रकार टेनिसन था। फिर व्हाट आर द मेन फीचर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय चौसर इन हिज वर्क, चौसर के वर्क में कौन से मेन फीचर्स हैं वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो चौसर्स वर्क्स ब्रीथ द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस टेंडेंसीज ऑफ हिज टाइम। ही स्टैंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द न्यू एज बट इज स्टिल हैग्ड इन ए बैकवर्ड गेजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड, 14th सेंचुरी इंग्लैंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो द 14th सेंचुरी इन इंग्लैंड वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द मेडिवल सेंचुरीज, इट कवर्स द पीरियड ऑफ द ब्लैक डेथ एंड पेजेंट्स रिवोल्ट, द 100 ईयर्स वॉर विद फ्रांस एंड ग्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस विच वी एसोसिएट्स विद द डेके ऑफ वेलिनेज, टू किंग्स वर मर्डर्ड एंड डिपोज्ड एंड द अथॉरिटी ऑफ चर्च वाज क्वेश्चन। ये 14th सेंचुरी इंग्लैंड की कुछ बातें थी, कुछ क्वालिटीज थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज चौसर्स इंटेंशन व्हाइल राइटिंग द दिस ग्रेट प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, चौसर का इंटेंशन क्या था। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज ए वर्क ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस, एक उच्च महत्व का ये कार्य था, एज क्रिएटेड बाय चौसर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश हिस्ट्री, जो इंग्लिश हिस्ट्री के को अंडरस्टैंड करने के मकसद से बनाया गया था। इन ड्रामेटिक पाइक्वेंट एंड ऑल इम्ब्रेसिंग पिक्चर ऑफ ए रियल मेडिवल लाइफ बिफोर द ग्रेट चेंजेस शुड अराइव। फिर हाउ मैनी पिलग्रिम्स कॉन्ट्रीब्यूट द पिलग्रिमेज एंड द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स में टोटल कितने कैरेक्टर हैं। देयर आर 30% विद द एडिशन ऑफ चौसर, चौसर के अलावा 30% है, एंड द होस्ट ऑफ द टाबार्ड, और टाबार्ड का जो होस्ट है मैक्स इन ऑल 32, टोटल कितने हो गए 32। कमेंट ऑन द चौसर्स ह्यूमर, चौसर का ह्यूमर कैसा था। तो चौसर्स ह्यूमर हैज़ 3 मैन क्वालिटीज, उसके ह्यूमर में 3 मैन क्वालिटीज थी। इन हिज राइटिंग से ह्यूमर विच इज समटाइम्स जेंटल, समटाइम्स हाई, ऑफन स्टायरिक बट नेवर विशीशियस, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज ए वार्म एंड कंपैशनेट बट नेवर सेंटिमेंटल, एंड एन एक्यूटनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज अनफॉलिंग इन इट्स एबिलिटी टू डिस्कर्न द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटेल। कौन सी लैंग्वेज को चौसर ने इस प्रोलॉग में यूज किया है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द लैंग्वेज यूज बाई चौसर कम्स फ्रॉम द मिडल इंग्लिश, रैदर डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न इंग्लिश वी नो। मिडल इंग्लिश की लैंग्वेज थी, वो उसे यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड चौसर कम्प्लीट हिज प्रोलॉग द कैंटरबरी टेल्स, क्या उसने इसको कम्प्लीट किया था, नहीं किया था। चौसर डिड नॉट लिव टू कम्प्लीट हिज एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए वो नहीं रहे इस दुनिया में। फिर व्हाट इज स्टायर, स्टायर क्या है, क्या ये प्रोलॉग एक स्टायरिक कंपोजिशन है। इट मे बी डिफाइंड एज ए लिटरली कंपोजिशन हुज प्रिंसिपल एम टू रिडिक्यूल फोली और वाइस, इट इज ए लाइट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन इंटेंडेड टू कीप द रीडर इन ए गुड ह्यूमर इवन वेन इट इज ऑफ इट्स मोस्ट कॉस्टिक। यस, चौसर्स प्रोलॉग इज ए ग्रेट स्टारिक पीस ऑफ वर्क। फिर चौसर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स कंस्टिट्यूट ए पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, डिस्कस हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल आर देयर। अब चौसर के प्रोलॉग में कितने प्रकार के लोगों का ग्रुप था वो हम देखेंगे। द पिलग्रिम इन द प्रोलॉग मे बी क्लासीफाइड इन टू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में क्लासीफाइड की गई है। विच थ्रू ए लाइट लॉट ऑफ लाइट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड इन द 14th सेंचुरी। फर्स्ट ग्रुप रिप्रेजेंट्स एग्रीकल्चर फेडरलिज्म, पहला ग्रुप है वो एग्रीकल्चर फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, फाउंडेड ऑन लैंड ओनरशिप
एंड सर्विस टू द किंग एंड द कंट्री, इसमें होते हैं द नाइट द स्क्वेयर लाइक। दूसरा ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ ए न्यू वार्म सोसाइटी दैट कम टू राइज इन द 14th सेंचुरी, इसमें होते हैं डॉक्टर, लॉयर, म्यूनसिपल, मर्चेंट। थर्ड ग्रुप रिप्रेजेंट द चर्च विच वॉज इन दीज डेज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेज इन द सोसाइटी, इज द प्रायरेस, हर शैपलेन, द मॉन्क। तो ये थी द चौसर की प्रोलॉग द सेंटरबरी टेल्स। कैसे लगी जरूर बताइएगा, इसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी बताएंगे, कंप्लीट इसकी समरी बतानी है तो वो भी बताएंगे। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का, आई होप आपको पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।